खबर कराहल से है, जहां विजयपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने आज कराहल में जनसंपर्क शुरू करते हुए चुनावी विशाल महारैली का आयोजन किया, जिसमें आदिवासी समाज के हजारों लोग शामिल हुए। रैली में एक टोली आदिवासी वेशभूषा पहनकर सज धज कर नाचते गाते हुए आगे चल रही थी और मुकेश ने पूरे रास्ते जनता से हाथ जोड़कर अपने समर्थन में वोट मांगे। मुख्य चौराहे पर जेसीबी से रैली के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। रैली में महिलाओं ने भी खूब बढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीओपी सहित पूरा पुलिस बल मौजूद रहा। रैली पूरे कराहल नगर में घूमते हुए बस स्टैंड स्थित सभा स्थल पहुंची, जहां मुकेश मल्होत्रा ने सभा को संबोधित किया। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि आदिवासी समाज की सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी किसी भी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं देकर समाज का अपमान किया। पिछली बार हमारे जीते आदिवासी विधायक का टिकट काट कर पार्टी ने बता दिया कि वह कितनी आदिवासी हितैषी पार्टी है। समाज ने सभी दलों से नाराज होकर मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विकास की अगर बात की जाए तो आज भी कराहल को नगर पंचायत नहीं बनाया गया। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है। वहीं इतनी विशालकाय रैली देखी कि जीत की आस लगाए बैठे अन्य पार्टी प्रत्याशी और उनके समर्थक चिंता में आ गए हैं, क्योंकि हर पार्टी प्रत्याशी अपनी जीत पक्की करने के लिए आदिवासी वोटर्स को लुभाने में लगा हुआ है। मगर आज मुकेश के समर्थन में हुई महारैली से आदिवासी एकता का संदेश गया है। आज जो मुकेश मल्होत्रा जी हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताते हैं कि हमारे आदिवासी समाज को जो दरकिनार पार्टियों ने किया है, आज उनकी महारैली कराहल में है। लगभग इनकी एक दो रैलियां और हो चुकी हैं, जिनसे राजनीतिक दलों में खलबल मची हुई है। मिलकर जानेंगे क्या रोड मैप इन्होंने तैयार किया है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विक्की भैया आपके चैनल के लिए। मुकेश जी, क्या तैयारियां लेके चल रही हैं? काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है चुनाव के लिए? रोड मैप तैयार किया है। आज हमारी ये महारैली है, इसमें पूरी विधानसभा के लोग आए हुए हैं और यहाँ से हम आज जीत का शंखनाद का आगाज कर रहे हैं। हम लोग सभी मतदाता बंधुओं की ओर से और एक विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में एक इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग। क्या मुख्य कार्य हैं आपके, जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या अभी तक दोनों पार्टियां नहीं कर पाई हैं? अभी देखो, एक तो कराहल में यहीं देखा जाए तो नगर पंचायत नहीं बनी है। इसको हमको नगर पंचायत बनाना है। गाँव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और कई मूलभूत सुविधा पेयजल स्वास्थ्य सभी की समस्या है और जल जंगल जमीन की भी समस्या है गरीब लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ से पूरी ताकत से विधानसभा में चुन के जाएंगे और हम ये समस्याओं का हल करवाएंगे। इस बार किसी भी पार्टी ने आदिवासी को टिकट तो दिया ही नहीं। उनकी देखो कथनी और करनी में अंतर है उनकी। वो लोग चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी आगे नहीं बढ़े, इसलिए उन्होंने टिकट काट दिया कि आदिवासी विधायक बन जाएगा तो जो आदिवासियों का और अन्य वर्ग जो गरीब समुदाय उसका ये भला करेगा, इसलिए इनका टिकट काट दिया। तो इसी के तारतम्य में हमारे समाज ने और क्षेत्र के मतदाताओं ने और हमारे सभी यार दोस्तों ने साथ समाज के लोगों ने फैसला किया कि मुकेश भाई आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और आपको हजारों हजारों मतों से हम लोग जिता के विधानसभा भेजेंगे। कैसा क्या लग रहा है, सभी वर्गों का कितना सहयोग मिल रहा है? हमको सभी समुदाय का भरपूर सहयोग मिल रहा है, फुल समर्थन, क्योंकि उन्होंने बड़े देख लिया पार्टी बीजेपी कांग्रेस हम गरीब लोगों को पोषण दमनीति करती है, अन्यत्र करने देखा होगा, वहाँ सीधी वासी पे कर दिया, वहाँ पर हमारी वासी बहनों मारपीट और जमीन हत्या करके गाड़ दिया, कई हत्या कर रही है सरकार, तो इसको हम लोग और यहाँ से दोनों पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराएंगे। क्या मुख्य मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हो? मुख्य मुद्दा हमारे यही है कि कराहल को नगर पंचायत बनाएंगे और जो है सड़क बिजली तमाम तरह की ये समस्या उनको काम करेंगे। और क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है इंद्रकाश दचेरिया। दचेरिया जी, क्या कुछ लग रहा है, आप मौजूद हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की हवा भी चल रही है चुनावी माहौल में? अभी जो हवा चल रही है वो तो बहुत एक स्वर में चल रही है, समाज जो है ये पार्टियों के आतंक से, क्योंकि हमारे जीते हुए प्रत्याशी को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और जो है हम जो कांग्रेस से भी जो टिकट मांगने भोपाल गए, 100 गाड़ियों से गए, फिर भी हमारी सुनवाई अनादेखी कर दी। इस वजह से समाज ने गुस्सा भर के और समाज ने एकत्रित होकर समाज ने एक एक 10-10 रुपये चंदा करके मुकेश भाई को खड़ा किया है और भारी बहुमत से विधानसभा विजयपुर को से मुकेश जी को विजय बनाना है। क्या लग रहा है, आप ही का समाज है या अन्य समाज भी मुकेश के समर्थन में आ रहे हैं? देखो,
ये हमारा आदिवासी समुदाय तो पूरा एक तरफा है ही है, इसके अलावा पिछड़े वर्ग में जो भी भाई आते हैं वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और जो अन्य जो जैसे जे भाई गरीब है जिनके पास जो है आतंक फैलाते हैं, उनके लिए भी जो है सभी भाई जो है एक तरफा से लग चुके हैं। और वैसे भी बहुमत को देखते हुए सभी भाई सभी वर्गों के भाई सहयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हो आपका समाज एक साथ आ गया है, आपके जो विधायक थे सीताराम आदिवासी वो तो आपकी रैली में नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखो सीताराम जी की ऐसी बात है, सीताराम जी वर्तमान में विधायक से ही समझो, अभी जो है उनका इस्तीफा भी नहीं लगा है, वो पार्टी के नाते से उनका इशारा है भाइयों तुम सब एक हो जाओगे, एक एक तरफा जाएंगे, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यानी उनका कहना जो है वो साथ नहीं आ रहे लेकिन साथ आप ही का दे रहे हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? नत्थू करवानिया। नत्थू जी क्या कहना चाहते हो, रैली है महारैली, महारैली को लेके क्या लगता है, किस तरफ रुख करेगी जनता? ये महारैली हमारी आज जो कराल में होने जा रही है वो मुकेश भैया के कारण ही हो रही है और उसी को विजय के लिए ही, मतलब हमने हर और भी समाज है, हमारी सर्व समाज है वो भी हमारा सपोर्ट कर रही है, मतलब मुकेश भैया का, और हजारों हजारों से मतलब जीत के लिए मतलब हमने शंखनाद बजा दिया है। और बलराम भाई क्या लग रहा है, निर्दलीय चुनाव जीतना इतना आसान तो होता नहीं है? निर्दलीय तो जीतेंगे, और हम तो क्या है कि हमारा नेता ऐसा आज निर्दलीय खड़ा हो रहा, वो भी समाज के ऊपर, जो समाज कर रही है वो समाज के चक्कर में हम खड़े हैं, समाज के मुकेश भाई साहब के पीछे हमें, मुकेश भाई साहब लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लग रहा है कराल में भाजपा कांग्रेस की भी अच्छी लहर है, क्या लगता है? तो हमें देख चुके लहर तो इनकी लहर तो जा रही है, ठीक है, वो बात यह है कि भाजपा भी देख ली हमने, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, जो भी तीनों चारों टीम है थी पूरी देख ली, अब देखने का मतलब हमें है मुकेश भाई साहब का। आपको क्या लग रहा है आदिवासी समाज इन पार्टियों को वोट नहीं करेगा इस बार? नहीं इस बार तो नहीं करेगी, इस बार तो हम करें ही नहीं, इस बार टिकट नहीं दिया, इसलिए इसी कारण के आक्रोश में ये जनता हमारी आदिवासी। तो आप किस पार्टी से कपाएं, भाजपा से कपाएं या कांग्रेस से कपाएं? दोनों से कपाएं, भाजपा कांग्रेस से, क्योंकि हमारा जीता वाला तो हमारे विधायक प्रत्याशी सीताराम आदिवासी, तो उनको टिकट नहीं दिया, यहाँ पे वर्तमान में जहाँ पे देख लो सोपुर में क्या है, बाबू झंडेल है, उनको टिकट दे दिया, इनको टिकट दे दिया, इनको क्यों नहीं दिया टिकट, बात ये है यहाँ पे उनमें लागे जो आदिवासियों में बाकी में बड़ा आक्रोश है, आक्रोश हम पे। तो भाई साहब रामकिशोर आदिवासी ग्राम बांकरी का रहने वाला हूँ। रामकिशोर भाई क्या लग रहा है इस बार रैली में आए हो आप? रैली में आया हमारे भाई की में, मुकेश मल्होत्रा जी की में, इसीलिए कारण आए हैं कि हमारे जो हमारे समाज भाई हैं यादि अन्य समाज भी हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए देखते हुए माहौल के देखते हुए हम आए हैं ग्राम कराल में, हमारे रैली रखी गई है उसमें। क्या लग रहा है इस बार जीत हो पाएगी क्या? हमें तो लग रहा है कि हमारे भाई की जीत होने की विजय होके रहेगी, मतलब सारा समाज एक साथ है। हाँ लग रहा है। रैली में आए युवाओं से मिलके जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी क्या नाम है? जी आशुतोष। आशुतोष क्या लग रहा है इस बार, किस तरफ लहर लग रही है इस बार? जी बिल्कुल हमारी तरफ लहर लग रही है, आपने बीजापुर में भी देखा होगा, आपने अगर सुनने में आया होगा जिस तरह से यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कितना माहौल है, अभी यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी जब हम रैली निकालेंगे तो हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे, तो साथ हम साथ और जितने आदिवासी रहने एक हो चुका है पहले से कहीं ज़्यादा, जहाँ सोशल मीडिया पे देख लीजिए आप, सब जगह ये आदिवासी ने अपना एक कहने का, हमको अभी हमारा जो हमको टिकट नहीं, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला तो हमको निर्दलीय हमें हमारा प्रत्याशी जिता। नारद जी आप भी रैली में आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या लग रहा है चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव हमारा मतलब मुकेश मल्होत्रा की ओर ही जा रहा है, जैसे विजयपुर क्षेत्र में हमने पहले भी रैली निकाली थी, हमारे लिए दोनों पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, इसके खिलाफ हम पूरे आदिवासी एकता करके और मतलब खड़े होंगे। दोनों पार्टियों के तीनों पार्टियों के प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि आदिवासी हमारे साथ हैं, और आप कह रहे हो कि आप निर्दलीय के साथ जा रहे हो, क्या है ये बात? नहीं जैसे छोटे बिगड़े ये पिछड़े वर्ग के सभी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि मुकेश जी को ही विजय बनाना है, और जो विजयपुर क्षेत्र है जो उसके लिए मुकेश की आवश्यकता है, भाजपा ने हमारे लिए टिकट नहीं दिया, हमारे सीताराम भाई जीते हुए खड़े थे, उनको क्यों उदास किया कि हमारे लिए टिकट नहीं दिया, कि हमारे विजयपुर क्षेत्र में 80-85 हज़ार वोट है हमारे आदिवासियों को, और जो 5 हज़ार वाले वोटों जिनके लिए टिकट दे दिया, इसलिए हमने मुद्दा कर मुकेश भाई को खड़ा किया, कटा झिट होकर पूरे आदिवासियों ने। यानी आप पक्का हो कि आप जीत रहे हो? हम पक्का जीत रहे हैं, मतलब हजारों संख्या से जीत रहे हैं, हम आदिवासी को भोपाल पुगाएंगे जरूर, मैं इकट्ठा करके।